गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ, बोथ सेक्शंस, सब्जेक्ट इंग्लिश. दिस इज वीडियो नंबर 1 एंड टुडे इज 27th April 2021. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूट्यूब ऑनलाइन वीडियो क्लासेस. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द वीडियोस गिवन ऑन आवर स्कूल यूट्यूब चैनल. I would hereby also like to mention that if any students have any problem regarding the lesson exercises given in the video, do kindly contact me personally on my personal WhatsApp number, which is 600577 3276. एक बार फिर बताना चाहता हूँ, मेरा WhatsApp number है 600577 3276. आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में दिए गए रिटन होमवर्क्स अपने फेयर कॉपीज में करने होंगे और हफ्ते में एक दो बार उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने होंगे. आपको कब भेजने हैं ये आपको अपने क्लास ग्रुप में और वीडियोस के एंड में इन्फॉर्म किए जाएंगे. और इनके लिए हमने रखे हैं 3 मार्क्स जो आपके यूट्यूब एग्जाम्स में ऐड किए जाएंगे. ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एवरीवन प्लीज फोकस ऑन योर बुक्स. हमने अपने लास्ट क्लास में लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स ए पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं. सो टुडे वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज बी पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 28. ठीक है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक पेज में इन सारे एक्सरसाइज बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स मैंने किए हैं. ठीक है, इन आंसर्स के क्वेश्चन किए हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, और साथ में मैं यहाँ पर आपको डिक्टेट भी करने जा रहा हूँ. ठीक है, ओके, एक्सरसाइज बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 लाइंस. ओके, नंबर 1, व्हाई डिड दिव्यम्स मदर अग्री टू बाय एन एक्वेरियम. आंसर, दिव्यम्स मदर अग्रीड टू बाय एन एक्वेरियम बिकॉज Divyam had worked so hard on his project and he deserved an aquarium for his hard work. ठीक है, एक बार फिर आंसर मैं बताता हूँ. Divyam's mother agreed to buy an aquarium because Divyam had worked hard on his project and he deserved an aquarium for his hard work. Question number 2. What do you need to do if you want to keep fishes in your aquarium safe? आपको क्या करना होंगे अगर आप अपने एक्वेरियम में फिश को सेफ रखना चाहते हो. आंसर, to keep fishes in our aquarium safe, we need to monitor the temperature and cleanliness in the aquarium and the food they eat. हमको क्या करना होंगे, हमको फिशेस एक्वेरियम में फिशेस को सेफ रखने के लिए हमें एक्वेरियम के अंदर के टेम्परेचर, साफ सफाई और उनके खाने के बारे में अच्छे से मॉनिटर करने होंगे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द फिशेस यू वांट टू कीप इन योर एक्वेरियम. आंसर है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द फिशेस वी वांट टू कीप इन आवर एक्वेरियम in order to keep them safe and also be able to tell our friends about it. हमें जैसे कि फिशेस के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक्वेरियम के अंदर फिशेस को सही सलामत सुरक्षित रख सकें और अपने दोस्तों को उनके बारे में बता सकें. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सो बीइंग द फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो ऑफ दिस ईयर, आज के लिए बस यहीं तक. टुडेज होमवर्क,
do exercise B part, page number 28, question answers on your copy, fair copy. So till then, goodbye to you all, take care and stay safe. कल हम फिर इसी समय इसी वक्त वीडियो पे आपसे मुलाकात करेंगे. थैंक यू.